अस्सलामु अलैकुम, आई वेरी वेलकम टू यू ऑन माई चैनल। दिस इज़ रुबाब। आज मैंने बनाया वेजिटेबल मिक्स पुलाव। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़े पतीले में मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिया है ऑयल, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिया है, इसको मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है और इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। 1/2 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, 6 से 7 दाने गार्लिक के लिए थे उसको मैंने पीस लिया है, 1 तेज़पात का पत्ता लिया है, 2 काली बड़ी इलायची ली है, 4 लौंगे ली हैं मैंने और 5 से 6 दाने जो है वो काली मिर्च के लिए हैं, ये हम शामिल करेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसमें मैंने ये तेज़पात और लौंग वगैरह शामिल कर दिए, इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया है। 1 बड़ा टमाटर लिया है, अगर आपके पास बड़ा नहीं है टमाटर तो आप 2 छोटे टमाटर ले लीजिए, 3 हरी मिर्च ली थी, अब मैं टमाटर को इसमें शामिल कर दूंगी। 1.5 चम्मच लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च, नमक 2 चम्मच लिया, 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा। आप नमक और मिर्च अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैंने मसाले में ये शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ शामिल किया है 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। तो मैंने ले लिया है आलू, मटर और गाजर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दीजिए। आलू जो है सबसे पहले मैंने ऐड किए थे क्योंकि आलू थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, 5 मिनट मैंने भून लिया था। इसके बाद मैंने मटर और गाजर शामिल किया है, 1 कप मैंने शामिल किया है इसमें पानी और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। तो 5 से 10 मिनट मैंने इसको बॉईल किया है और 4 कप मैंने ले लिया था चावल, उसको मैंने अच्छी तरीके से भिगो दिया था 1/2 घंटे के लिए, इसको मैं शामिल कर रही हूँ। अब इसके अंदर चावलों में जितना पानी आप रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक डाल लीजिए। तो मेरी चावलों की ट्रिक ये होती है कि मैं फर्स्ट फिंगर जो है उसकी फर्स्ट टिप तक जो है पानी ऐड करती हूँ। तो अभी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से 15 मिनट हल्की आंच पर मैंने दम दे दिया था और ये देखिए हमारी आज की डिश तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।